स्कूली बच्चों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास पता चल सके, इसके लिए अंतर शालेय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें 32 स्कूलों के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। लाल माटी चांदमारी तलैया के किनारे लगने वाला कजलिया मेला इस वर्ष बद इंतजामियों का शिकार है। तलैया की सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि कहने के बाद भी नगर निगम ने सफाई नहीं कराई। रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन केंद्रीय कारागार जबलपुर में रक्षाबंधन पर्व का उत्साह नजर आया। शासन के दिशा निर्देशों के बाद जेल प्रशासन ने जेल में निरुद्ध कैदी और बंदी भाइयों की उनकी बहनों और परिजनों से खुली मुलाकात कराई। इस दौरान बहनों ने जेल में निरुद्ध अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुणा के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को निःशुल्क तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने एक ओर जहां रैलियों और जन जागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं रंगोली पेंटिंग और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों में देशभक्ति की अलग जगाने और अभियान को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए जन जागरण अभियान कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए अब किन्नर समाज ने भी पहल की है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए किन्नर समाज भी आगे आ रहा है। इसी कड़ी में किन्नर समाज ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से हर घर तिरंगा अभियान के लिए एक रैली निकाली। नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ऐसे में घाटों पर लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नाविक और स्थानीय गोताखोर निभा रहे हैं। इन्हें शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं और मानदेय मुहैया नहीं कराया जा रहा, जिससे इनकी माली हालत बेहद खराब होती जा रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र चंडाल भाटा के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे के मामले में SFL ने जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। FSL जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पताल के बाहर नीचे रखे जनरेटर और मेन विद्युत लाइन के बीच हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की थी। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर कालीमठ मंदिर के पास 66 वर्षीय वृद्ध महिला की अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वृद्ध महिला की हत्या करने वाले उनके पूर्व किराएदार और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। जेल में उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने बांधी भाइयों की कलाई पर राखी। भाइयों ने बहनों को गुनाहों से तौबा करने का दिया वचन। और आमनपुर हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। लूट के लिए किया वृद्धा का कत्ल, पूर्व किराएदार निकला कातिल, दो आरोपी गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन केंद्रीय कारागार जबलपुर में रक्षाबंधन पर्व का उत्साह नजर आया। शासन के दिशा निर्देशों के बाद जेल प्रशासन ने जेल में निरुद्ध कैदी और बंदी भाइयों की उनकी बहनों और परिजनों से खुली मुलाकात कराई। इस दौरान बहनों ने जेल में निरुद्ध अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे अपराध से दूर रहने का वचन लिया। इस मौके पर जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए। रक्षाबंधन का पर्व केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदी और कैदी भाइयों के लिए खुशियां लेकर आया। शुक्रवार को शासन के दिशा निर्देशों के बाद जेल में रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जेल में बंद सैकड़ों बंदी और कैदी भाइयों ने अपनी बहनों और परिजनों से खुली मुलाकात की। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे अपराध से दूर रहने का वचन लिया। जेल में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने पहुंची बहनें और उनके भाई इन पलों पर भावुक हो गए। इस दौरान कई बच्चों और कैदी भाइयों की आंखों में आंसू भी छलक आए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि परिवार से मिलना हुआ, उनके हाथों से राखी बंधी, बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आ रही है। गलत किया हम लोगों ने किया, उसका परिणाम साथ साथ परिवार वालों को भी भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। नहीं, छूटने के बाद पूरी पूरी कोशिश रहेगी ये कि दोबारा कभी ऐसा कोई गुनाह कोई अपराध ना करूं जिससे मेरे वजह से मेरा परिवार परेशान। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहन मिलने आई है, इतने दिन के बाद आज मिलने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा कोई गुनाह हम नहीं करेंगे, छूटने के बाद सही से रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई बहन आई तो। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे हम लोग की बहन कब आएगी। सभी की बहन आ रही है, हम लोग गलती से हो गया, अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं होगा, परिवार को परेशानी जाए। अच्छा लगा अपने भाई से मिलकर राखी बांध के, बहुत अच्छा लगा। भाई को ये संदेश देना चाहते हूँ कि अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करो और जल्दी से जो भी हुआ हो वो सब खत्म हो जाए और घर आ जाइए, सब ठीक हो जाए।
जी अपने भाई से मिलने आए थे, राखी बांधने, बहुत अच्छा लगा हमको मिलके आज, पूरा एक महीने बाद मिलने आए। भाई से क्या बोला आपने? किया अच्छे हो बेटा, खाने पीना खा रहे हो अच्छे, कैसा लग रहा है? बहुत जल्दी आप बाहर आ जाओगे, चिंता मत करना। उसने कुछ नहीं किया, बहुत जल्दी बाहर आए, हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने शासन के दिशा निर्देशों के तहत रक्षाबंधन त्यौहार पर जेल में रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए विशेष प्रबंध किए। जेल प्रशासन की ओर से सुबह 8 बजे से बहनों को जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का मौका दिया। इस दौरान जेल में भारी भीड़ भी नजर आई। ये शासन के आदेश भी प्राप्त हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय जी हमारे निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि जिस प्रकार से बहनें रक्षा सूत्र बांधती आई हैं, बंदी भाइयों को उसी प्रकार से व्यवस्था की जाए और उनकी ये व्यवस्था में कोई भी बहन निराश होकर के ना जाए, उसको रक्षा पर्व विधिवत खुशीपूर्वक मने। उसी आदेश के निर्देश के परिपालन में आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमने जितने भी बंदी भाइयों की जो बहनें आ रही हैं उनको ये सुविधा दी गई है। प्रातः 8 या 9 बजे से प्रारंभ की गई है और हमारी कोशिश है कि कोई भी बहन निराश होकर के नहीं जाएगी, सबको इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाई से मिल सकेगी और रक्षा सूत्र बांध सकेगी। गौरतलब है कि गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व पर अवकाश और कोरोना गाइडलाइन के चलते जेल प्रशासन ने जेल में बंदियों और कैदियों की उनकी बहनों और परिजनों से खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे कैदियों और बंदी भाइयों के परिजन मायूस थे। लेकिन शासन के दिशा निर्देशों के बाद शुक्रवार को बंदी और कैदी भाइयों को उनकी बहनों और परिवारजनों से खुली मुलाकात करने और रक्षाबंधन पर्व मनाने का मौका दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने एक ओर जहां रैलियों और जन जागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं रंगोली, पेंटिंग और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों में देशभक्ति के अलख जगाने और अभियान को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग में भी विभिन्न कार्यक्रम जारी हैं। इसी कड़ी में पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पुलिस लाइन परिवार के बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का संयोजन सूबेदार समा तेकाम ने किया। इस प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। जैसा कि सर्वविदित है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हमारे पुलिस विभाग में 11 से 17 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ पुलिस विभाग जबलपुर में पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस लाइन कॉलोनी के परिवार के बच्चों ने पेंटिंग और रंगोली में हिस्सा लिया है और इस तरह हम हर घर तिरंगा अभियान का जश्न मना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुड़ा के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को निःशुल्क तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में झंडा वितरण के लिए स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल से सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को निःशुल्क झंडा वितरित किया गया। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए कार्यालय स्टाफ और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि पुलिस कर्मचारी अधिकारी भी अपने अपने घरों में झंडा लहराएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में सहभागिता दर्ज कराएं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी यहाँ एक झंडा वितरण एक स्टॉल लगाया गया, जिस पर पुलिसकर्मी और अपने ऑफिस के स्टाफ को झंडा खरीद रहे हैं और हर पुलिसकर्मी जो है अपने घर से झंडा फहराएगा इस विश्वास के साथ हर घर तिरंगा। स्कूली बच्चों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास पता चल सके, इसके लिए अंतर शालेय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें 32 स्कूलों के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मानस भवन में किया गया। इसमें 32 स्कूलों के करीब 50 बच्चों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। स्कूली बच्चों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन और तिरंगा के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो सकें, इस मकसद के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। क्यों? चौथा राउंड पांचवा राउंड, चौथे राउंड में
अंक ज्यादा है और निगेटिव मार्किंग दिए गए हिंद स्वराज के लिए आंसर दिया है हमारी एनसीसी की छात्रा। बहुत बढ़िया आंसर, जोरदार तालियां इस छात्रा के लिए। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों के बीच में क्विज कंपटीशन रखा गया है और इसमें आज यहाँ पर 32 स्कूलों के 50 छात्र पार्टिसिपेट करने आए। इससे बच्चों को तिरंगा का इतिहास, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी मिल रही है और बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑडियंस के में भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं विभिन्न स्कूलों के, और उनके लिए भी हमने तिरंगा से संबंधित या राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रश्न रखे हैं जिसमें उत्साहपूर्वक बच्चे भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूली स्तर के बच्चों के लिए प्रथम पुरस्कार 7,500 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपये है और महाविद्यालय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपये। क्विज प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए लगातार जन जागरण कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए अब किन्नर समाज ने भी पहल की है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए किन्नर समाज भी आगे आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए किन्नर समाज भी आगे आ रहा है। इसी कड़ी में किन्नर समाज ने भी कलेक्टर कार्यालय परिसर से हर घर तिरंगा अभियान के जन जागरण के लिए रैली निकाली। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने किन्नरों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने इस दौरान कहा कि इस रैली के माध्यम से वो भी नगर वासियों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगाने के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें तिरंगे के महत्व की जानकारी भी देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस रैली के माध्यम से संस्कारधानी के सभी नागरिकों को यही सूचित करेंगे कि तिरंगे का हमारे जीवन में बहुत अमूल्य हमारे जीवन में सहभागी है। तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, अस्तित्व है। हर किसी को अपने घर में, प्रतिष्ठान में और चौराहे पर तिरंगा लहराना चाहिए ताकि हमारा संस्कारधानी हमेशा हरा भरा रहे। और तिरंगे का महत्व हमारी किन्नर समाज में बहुत ही महत्व है। जो किन्नर, हम किन्नर विवाहित तो नहीं हो सकते, इसलिए हम तिरंगे को बीच में रखकर और सात फेरे लेकर हम तिरंगे के साथ अपना शादी करते और अपने आप को विवाहित मानते हैं। हमारे समाज में तिरंगे का बहुत बड़ा महत्व। नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ऐसे में घाटों पर लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नाविक और स्थानीय गोताखोर निभा रहे हैं। इन्हें शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं और मानदेय मुहैया नहीं कराया जा रहा जिससे इनकी माली हालत बेहद खराब होती जा रही। जबलपुर में नर्मदा के तटों पर लोगों की जान और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले नाविकों और स्थानीय गोताखोरों की माली हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सैकड़ों लोगों को डूबने से बचाने वाले नागरिकों को शासन प्रशासन की तरफ से ना तो कोई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और ना ही कोई मानदेय दिया जाता है। ऐसे में नाविक और स्थानीय गोताखोर ये जिम्मेदारी निःशुल्क निभा रहे हैं। स्थानीय गोताखोरों और नाविकों का कहना है कि नर्मदा घाटों पर लोगों की सुरक्षा की जान बचाने वाले नाविक और स्थानीय गोताखोर कई बार शासन प्रशासन से मानदेय और सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर चुके हैं लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जो घूमने वाले आते पुल के ऊपर कई लोग यहाँ से गिर जाते, हम लोग नाव वाले हैं, हम लोग बचाते हैं यहाँ। हम लोग को सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती यहाँ पे, हम लोग यहाँ रात दिन रहते हैं, नाव वाले हैं। बंटी वर्मन नाम है। कितने लोगों को बचा चुके आप? हम लोग तो जाना कितने लोगों को बचाया है, बड़े पुल से भी कूदते हैं, छोटे से भी कूद जाते हैं, फिर भी हम लोग बचाते हैं, कुछ नहीं मिलता हम लोग को पुरस्कार। क्या मांग करते हो आप? हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो यही बोलते हैं कि थोड़ी बहुत गरीब इंसान है, पेमेंट द्वारा मिल जाए सरकार से। कुछ समझ नहीं, घाट पर जो लोग कूदते हैं हम लोग बचाते हैं, इसमें हम लोग कोई मदद नहीं मिलती है, सोचे कुछ मदद मिल जाए। कई लोगों को बचा चुके हैं यहाँ पर। कोई प्रोत्साहन मिलता सरकार? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलता प्रोत्साहन। कैसे परिवार चलाते हो सर? अपने चलाते हैं ऐसे कुछ, अपना नाव ही से चलाते, जो कुछ मिल गया अपनी सवारी में।
नाविकों और स्थानीय गोताखोरों की माने तो तिलवारा घाट पर आए दिन लोगों को डूबने और पुल से नर्मदा में छलांग लगाने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में स्थानीय नाविक और गोताखोर ही अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, बावजूद इसके प्रशासन से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। लाल माटी चांदमारी तलैया के किनारे लगने वाला कजलिया मेला इस वर्ष बदइंतजामियों का शिकार है। तलैया की सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि कहने के बाद भी नगर निगम ने सफाई नहीं करवाई। कजलिया मेले के पूर्व चांदमारी तलैया की सफाई नहीं कराए जाने से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष मेले के एक सप्ताह पहले से तलैया को साफ कराया जाता था, लेकिन इस वर्ष बार बार निवेदन करने के बावजूद नगर निगम के स्वच्छता विभाग ने यहां सफाई नहीं कराई। चांदमारी तलैया ऐतिहासिक मेला हमारे सेठ गुमदास वार्ड के अंतर्गत भरता है। आज के दिन भी आज सफाई हो नहीं पाई है, मतलब जानबूझ के इसको एक किया जा रहा है कि मेला में बांधा डालना। मेरा तो यही प्रशासन से, मैंने 10 दिन पहले इसका लेटर दिया था कि साफ सफाई एवं लाइट, आज लाइट भी नहीं बन पाई है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक शान है तलैया, और यहाँ कम से कम 5-6 वार्ड के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, करते आए हैं, वैसे करना चाहिए, इसमें पार्टी बेसिस का कोई काम नहीं होना चाहिए। वार्ड में तलैया में कुछ गंदगी देखा हमने, मैं अपने झाड़ू ला करके थोड़ा साफ सफाई कर दिया। हाँ, प्रशासन ये है कि जो पहले होती थी 2 दिन पहले साफ सफाई देखभाल, वो आज नहीं हुई है, तो मैं यही कहता हूँ कम से कम इस तरफ भी ध्यान दें। और इसके आगे क्या है, मेला आपका है, आप मेले के हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। आरोप लगाने वालों का कहना है कि लोक परंपराओं से जुड़े इस अनूठे मेले को बंद कराने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजयनगर थाना क्षेत्र चंडाल भाटा के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे के मामले में SFL ने जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। SFL जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पताल के बाहर नीचे रखे जनरेटर और मेन विद्युत लाइन के बीच हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। इस रिपोर्ट को पुलिस ने प्रकरण में शामिल किया है। विजयनगर थाना क्षेत्र चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्नि हादसे के मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जनरेटर और मेन विद्युत लाइन के बीच हुआ शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बना। FSL विभाग ने जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने इस रिपोर्ट को प्रकरण में शामिल किया है। 1 तारीख की जो दुखद घटना हुई थी अग्निकांड की, जिसमें एक हॉस्पिटल में आग लगने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको जांच करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक फायर एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि ये आग लगने का कारण संभवतः जो वहाँ जनरेटर था उसमें जो अल्टरनेटर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने के कारण वहीं से आग लगने का जो उत्पत्ति है वहाँ से चालू हुई है, और बाकी जो इनकी नेग्लिजेंसी रही है उसको मेंटेन नहीं कराने की, उसका समय समय पर सर्विसिंग नहीं कराने की, और जो भी वहाँ रख रखाव करना था जिस हिसाब से उस हिसाब से नहीं किया गया था, इस वजह से संभवतः आग लगे की आशंका उन्होंने जताई। गौरतलब है कि अस्पताल अग्नि हादसे में 8 लोगों की जान गई थी। घटना के बाद कारणों का पता लगाने के लिए FSL टीम के विशेषज्ञों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आग से जले तार और अन्य सामान एकत्रित किए थे, जिनकी जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर काली मठ मंदिर के पास 66 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वृद्ध महिला की हत्या करने वाले उनके पूर्व किराएदार और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वृद्धा की हत्या लूट के इरादे से की गई थी और हत्यारों ने उनके घर के अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली थी। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर काली मठ में 4 दिन पहले हुए 66 वर्षीय वृद्ध महिला केसरबाई के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वृद्ध महिला के कत्ल और उनके घर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों लखनादौन जिला सिवनी निवासी देवी प्रसाद पटेल उर्फ आकाश पटेल और उसके साथी दीपक पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इनसे वृद्धा के घर से लूटे गए 5.5 तोला वजनी सोने चांदी के जेवर और 1,30,000 रुपए नकदी के साथ ही वारदात में उपयोग की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि वृद्ध महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। हत्या के आरोप में पकड़ा गया देवी प्रसाद उर्फ आकाश पटेल पूर्व में मृतिका केसरबाई का किराएदार था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उसने मकान खाली कर दिया था। उसे इस बात की जानकारी थी कि वृद्ध महिला अकेली रहती है और उसके पास जेवर और नकदी भी है, इसलिए उसने लूट और चोरी की योजना बनाई और अपने साथी दीपक को किराए पर मकान दिलाने के बहाने वृद्धा के घर ले गया, जहां दोनों ने वृद्धा का कत्ल कर दिया और लूट की घटना को अंजाम देकर भाग खड़े हुए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई। हत्या के संदेहियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई और फिर पुलिस की टीम पूरे मामले की तह तक पहुंच सकी। 8 अगस्त को थाना मदन महल में कालीमठ क्षेत्र में 66-67 वर्षीय एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। फाइनली अभी हम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। कुल मिला के कहानी ये निकल के आई है इसमें, इसमें दो आरोपी हैं, एक देवी प्रसाद आकाश पटेल और दूसरा दीपक पटेल। ये दोनों जो युवक हैं, जो आरोपी हैं, इनको पैसे की जरूरत थी और इनका कोई स्थायी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जो मुख्य अभियुक्त आकाश पटेल है, क्योंकि ये वहीं किराए में 6 महीने रहा भी है, तो इसको पता था कि जो वृद्ध महिला है वो अकेले रहती हैं, तो इसने फिर अपने ही गाँव के जो दूसरा आरोपी है दीपक पटेल उनके साथ योजना बनाई। फिर उसके उपरांत इन्होंने वहाँ पे चोरी की नीयत से जो सामान जो है ले जाने की इनकी नीयत बनी। जो वृद्ध महिला थी मृतिका, उन्होंने विरोध किया, विरोध करने पर इन्होंने हथौड़े से उनके सर पे प्रहार कर दिया और प्रहार करते गए जिससे कि उनकी डेथ हो गई। कुल मिलाकर और फिर ये वहाँ से करीबन 1,30,000 के करीब कैश, करीब 5.5 तोले सोने के जेवरात, सोने के एवं कुछ चांदी के भी हैं, वो वहाँ से लेकर चले गए। ये कुल घटना है और घटना में प्रयोग होने वाला हथौड़ा है वो भी जब्त हो गया और जो मोटरसाइकिल थी जिससे उन्होंने घटना की थी वो भी जब्त हो गया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात में उपयोग की गई पल्सर मोटरसाइकिल जम्मू कश्मीर की होना पाई गई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। हथियारों से हथौड़ी भी जब्त की गई है जिससे उन्होंने वृद्धा पर हमला कर उनका कत्ल किया था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।